गत शनिवार को तड़के चुराए गए लाखों की सरसों की खेप को पुलिस ने बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे के भीतर पुलिस टीम द्वारा सनसनीखेज चोरी का खुलासा करने पर अधिकारियों ने टीम की पीठ थपथपाई। कुंडा थाने में क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी की घटना संज्ञान में आने के बाद फौरन अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना कुंडा में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अनाज मंडी व मंडी चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया गया तो वादी की दुकान से लाई गई लदी नीले रंग की ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी से बाहर आती दिखाई दी। तफ्तीश में पता चला कि ट्रैक्टर ट्रॉली ग्राम सरवरखेड़ा निवासी शमशाद की है। शमशाद के घर पहुंचकर पुलिस टीम ने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो उसका ट्रैक्टर वहां नहीं मिला। पुलिस को पता चला कि रिजवान नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर घटना में प्रयुक्त किया गया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में रिजवान ने बताया कि उसका ट्रैक्टर ग्राम शिवराजपुर निवासी विजय पुत्र टीकाराम घटना वाले दिन सुबह 5:30 बजे 1500 रुपए में किराए पर ले गए थे। पुलिस की पड़ताल में विजय की लोकेशन कुंडा तिराहे की और जैसे ही मिली पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। देखिए कल ये 22 तारीख को कुंडा थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सर्वेश कुमार जो नवीन सब्जी मंडी के हैं उन्होंने ये बताया कि मेरे टीन शेड में से करीब 260 कट्टे लाई के चोरी हो गए हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत करते हुए इसमें टीम लगाकर इसकी ढूंढ खोज शुरू करी गई और CCTV कैमरों का अवलोकन किया गया। एक CCTV कैमरा में जो है जो मंडी के पास लगाया उसमें एक नीले रंग का जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो निकलते दिखाई पड़ी जिसमें कट्टे लदे हुए थे। तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में मालूम करी गई तो पता चला कि वो एक रिजवान नाम की व्यक्ति की है और उससे पूछताछ करने पता चला कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली उसके ड्राइवर जो उसे कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाता है किराए पे उसके द्वारा आज किराए पे ले जाई गई है। इसका नाम विजय था। विजय को ढूंढा गया तो वो और उससे पूछताछ करी गई वो मिल गया और उसने ये बताया कि जो आरती है मंडी का सर रईस उसके द्वारा उसे कहा गया था कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में इकट्ठे भरने के लिए और एक कुंडा फार्म पे जो सुरेंद्र कुमार हैं उनके घर पे रखवाने के लिए। तो इस पर जो है टीम द्वारा जो है इनको विजय को और रईस को सुरेंद्र के घर से कट्टे उतरवाते हुए पकड़ा गया और घर से जो है सुरेंद्र फरार पाया गया है। वो वांछित चल रहा है, अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है। ये करीब 260 कट्टे थे जिनका कीमत लगभग 7 लाख रुपये बता रहे हैं। एक कट्टा 5400 से 5800 के बीच का बता रहे हैं तो लगभग 7 लाख का माल था। अभी तक तो जो पूछताछ में बात उन्होंने बताई है कि उनको जो ये रईस था इसे कुछ अपने आड़त के काम में नुकसान हो गया था जिसकी